लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मैरोली जिला भाजपा द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में लगभग 8000 से भी ऊपर स्कूल के बच्चों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला के अध्यक्ष आजाद सिंह ने बताया कि एकता दौड़ वसंत कुंज मेन मार्केट से शुरू होकर मदनपुर जाकर समाप्त हुई और कार्यक्रम में भाजपा नेता ब्रह्म सिंह तनवर, सत्यप्रकाश राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष विमला चौधरी, भूपेंद्र गुप्ता और प्रदेश मंत्री सेवा उपाध्याय के साथ भाजपा के जिला और मंडल के पदाधिकारी ने शिरकत की। वंदे मातरम कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आज भाषण का दिन नहीं है, दौड़ने का दिन है। केवल मैं इतना ही कहूंगा, आजादी मिली लेकिन भारत अखंड होना शेष था। सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को अपनी बुद्धिमानी जोड़कर भारत को एक किया। आज हम ये संकल्प ले कि कभी भी भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, और मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना नाम था, जितना काम था, उतनी ऊंचाई देश और दुनिया के सामने उन्होंने बताई है। निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश की एकता के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था, और उस ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के प्रति समर्पित थी, जबकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सारे देश के लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसमें लीडर के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अलग योगदान। यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो जागरूकता है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुझे एक ही बात कहनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के लिए जो काम किया था उनके काम को सही मायने में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के, बच्चों के, युवाओं के, सबके सामने, जो वो देश के लिए एक शख्सियत थी, विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा का आज सरदार पटेल जी का अनावरण है। और मैहरौली जिले के मैं एक एक कार्यकर्ता को आज धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज 1000 से ऊपर की जो आज संख्या मैहरौली जिले के अंदर दौड़ लगाई, उसमें सभी बच्चे, युवा, और 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मैं उन बच्चों को भी और अपने सभी कार्यकर्ताओं और खासकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय कैलाश विजय वर्गीय जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी ने आकर तिरंगा दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जनता का, और मैहरौली जिले के अंदर एक एक बच्चे ने जो आज दौड़ लगाई, और जो हमारे बच्चे सबसे फर्स्ट आए, मैं उनको जो आज दौड़ लगाई 3 किलोमीटर की, उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, उनको हमने प्रशिक्षण पत्र तो सभी बच्चों को दिया जाएगा, विशेष रूप से उन 3 बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरदार पटेल की जयंती है और आज ही भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार पटेल जी का बन रहा है। ये कहा जा सकता है कि सबसे ऊंचे सरदार आज माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्टैचू का उन्होंने उद्घाटन किया है, और पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं, भारत को एक रखेंगे, भारत को श्रेष्ठ रखेंगे। जो भी भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा उन सबसे मिलकर के हम जूझेंगे और किसी भी तरह से भारत की एकता को नष्ट नहीं होने देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उसको हम सार्थक करेंगे। इसी के लिए आज एकता दौड़ समर्पित है। सारे आंदोलन में बहुत लोगों का योगदान है, उन्होंने केवल एक परिवार को स्मरण रखा है। आज का दिन राजनीति के लिए नहीं है, आज का दिन देश की एकता के लिए है, इसलिए उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन हम तो जिन्होंने भी देश के लिए अच्छे काम किए उन सबको हमारे प्रधानमंत्री जी हम सब स्मरण कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है और ये मतलब कि ऐसी पहली रेस थी और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था। रेस बहुत अच्छी थी, मैंने पहले भी 10 किलोमीटर करी है तो मेरे को थोड़ा आइडिया है कि मैराथन कैसे होता है, तो बहुत अच्छा लोगों ने ऑर्गेनाइज करा था। लगा रेस खेल के और मैं पहली बार ही दौड़ा हूँ इस रेस में, वैसे मैं दौड़ता नहीं हूँ, मतलब वैसे इवेंट खेलता हूँ ट्रैक पे, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा इस रेस को खेल के, हम क्लब से हैं तीनों, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद दिल्ली की रेसेस खेलते हैं। आज यहाँ पे आना हुआ कि एकता दिवस के ऊपर एक रेस रन यूनिटी करके कर रहे हैं, तो अच्छी थी ऑर्गेनाइजिंग, बहुत अच्छा लगा रेस में। मतलब ट्रैक भी बहुत अच्छा था, एकदम मतलब खाली रूट था और आगे एक गाड़ी चल रही थी, तो हम सब काफ़ी अच्छी स्पीड से भागे।